हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे कोचिंग शिपयार्ड शेयर के रिगार्डिंग, जो कि देख सकते हैं 1 मंथ के अकॉर्डिंग शेयर काफी ज्यादा डाउन मोमेंटम में है और देख सकते हैं -19.60% का है। तो क्या रीजन है कि इतना ज्यादा ये शेयर हमारे यहाँ पे डाउन मोमेंटम में आ रहा है? 5 डेज के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, वह आज का भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा फ्लैट है, राइट। ये थोड़ा सा पॉइंट का इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, उधर फ्लैट है। यहाँ पे 6 मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफी ज्यादा अपसाइड का मूव है हमारा, 61% का अपसाइड का मूव दे चुका है। एंड 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट हमारा ठीक है और 5 ईयर के अकॉर्डिंग भी हमारा ऑलमोस्ट हमारा फ्लैट शो हो रहा है, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये चीजें डिस्कस करेंगे इसमें कि कब यहाँ पे फ्रेश बाइंग बनाई जा सकती है और अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग बनाई जा सकती है या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए, सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये इतना गिरावट क्यों हो रहा है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप लोग यहाँ पे लास्ट तक बने रहना। आप यहाँ पे देख सकते हैं nseindia.com पे, ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ऑलमोस्ट हमारा 3533 है। एटलीस्ट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, डाउन साइड है, बाइंग साइड एक भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है, राइट। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ओनली ऑन 23.22%। एक तो पहली बात, इसमें ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड ही नहीं की गई है, देख सकते हैं 53,548 क्वांटिटी ट्रेड की गई है, उसमें से 12,436 का डिलीवरेबल क्वांटिटी है एंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल देख सकते हैं 23.22% की यहाँ पे डिलीवरी ली गई है। बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड में है बट स्टिल है तो थोड़ी बहुत। बट मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये कंपनी का जो वैसे फंडामेंटल है ना, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, लेकिन अभी डाउन में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ है 7 है, वीकनेसेस भी 7 है, तो ये क्रॉस हो गया 3 अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसलिए हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब मैं आपको जूम आउट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये जो ई एम ए देख रहे हैं ये हमारा है 200 EMA और ये जो ई एम ए हमारा 20 EMA है। तो कभी भी अगर आपको मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें जो लेना होता है वो 200 EMA का अबोव साइड में लेना होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने 200 EMA को देख सकते हैं ये ना 200 EMA को अपसाइड से यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया है, अगेन रीटेस्ट किया है, फिर मार्केट यहाँ पे ये 20 EMA को सपोर्ट रख रख के मार्केट ऊपर जा रहे हैं। 20 EMA भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मैं आपको उसको थोड़ा सा जूम आउट, ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले यही जो 20 EMA था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, और अब यहाँ पे अब जैसे इस अपसाइड में क्रॉस किया तो काफ़ी अच्छा मूव, एकदम सडनली मूव दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैजिक है 200 EMA का। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ कि और अभी यहाँ पे बाइंग प्रेशर इसीलिए हमें अवॉइड करनी चाहिए, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग प्रेशर अवॉइड करना है, बिकॉज पहली बात देख सकते हैं 220 EMA को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर रीटेस्ट किया है, फिर से डाउन मोमेंटम में फिर से रीटेस्ट किया, फिर फ्लैट मूव यहाँ पे देखने को मिला है, अगेन ऊपर जा रहा है। मैं भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए, मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक ना जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये हमें ब्रेक मिल चुका है एंड रेजिस्टेंस के बाद मार्केट फॉल हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो 200 EMA है जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है, तो जैसे ही हमारा ये जो है फॉल ये डाउन साइड में आएगा और 200 EMA के नियर बाय आएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 200 EMA के नीचे और अप साइड का एक अच्छा खासा मूव हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को वेट करना है क्योंकि जल्दबाजी में करेंगे तो ऑब्वियसली बाइंग करके फंसने वाला काम हमें नहीं करना है, फालतू में लॉस हो जाएगा और लॉस तो खैर फिर मतलब लॉन्ग टाइम तक वो जबरदस्ती में होल्ड करके रखना पड़ता है क्योंकि लॉस तो काटा नहीं जाता जल्दी इसलिए, राइट। तो 200 EMA के नियर बाय जैसे ही आएगा, आई होप ये जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो ये 200 EMA भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ तक हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा ये भी ऊपर जाएगा ऐसे करके, तो 450 तक ये जब आएगा तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है 200 EMA के नियर बाय, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि यहाँ पे दो मतलब एक हफ्ते में, हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। आप 7 से 10 दिन तक इसको वेट करिए, जैसे ही इसमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी मैं आपको बता दूंगी, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा एंड सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जो होता है नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप शेयर में डील करते हैं या फिर नहीं डील करते हैं या किसी भी शेयर में डील करते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ,
और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो RSI डाउन दिख रहा है, बट RSI अभी थोड़ा सा और भी, मतलब हमें अभी रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है राइट अपसाइड का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर जैसे यहाँ पे किसी ने लिया होगा, यहाँ पे अगर किसी ने लिया है दो प्रोबेबिलिटी है, फ्रेश बाइंग तो हमें अवॉइड करनी है। अगर किसी ने पहले से ले रखा है यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो वो वेट करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है फॉर द पर्पज ऑफ 20 EMA। 20 EMA 1 डे के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में 20 EMA के आसपास, यानी कि 580 के आसपास यहाँ पे आ सके, यहाँ पे आने के बाद डाउनफॉल जा सकता है। तो किसी ने ले रखा है तो वो वेट करके रख सकता है यहाँ तक के लिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। हम लोगों को फ्रेश एंट्री भी अच्छी मिल जाएगी, आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि उसके बाद अपसाइड का मूव जाने का मतलब है कि इस 20 EMA को यहाँ से मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा हार्डली हो सकता है। अगर मार्केट ब्रेक भी करती है तो भी हमें डरने की कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर मार्केट ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी, जब रीटेस्ट करेगी तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देंगे राइट। तो फोमो में एंट्री हमें अवॉइड करनी है, राइट टाइम पे हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे राइट। एंड और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्या चीज़ें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। टुडे का यहाँ पे देख सकते हैं 19 लाख का वॉल्यूम है, एंड बाइंग क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे रखाई गई है एज़ पर द कम्युनिटी सेंटिमेंट। बट अभी हमें यहाँ पे हमें बाइंग थोड़ी सी अवॉइड करनी है, जिन लोगों ने ले रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं राइट। बट आपको फिर भी बाइंग करनी है तो आपके वैसे जब मर्जी कर लो यार, कोई वो थोड़ी ना है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट की कैपिटलाइजेशन है 7032, करंट प्राइस है 534, हाई गया 687, लो गया है 281, डिविडेंड यील्ड है 3.13, फेस वैल्यू है 10, ROE है हमारा 14.1, बुक वैल्यू है 340, स्टॉक का PE है 12 एंड ROCE है हमारा क्या है 18। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ। प्रॉस देख सकते हैं, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड एंड बींग हेल्दी डिविडेंड। कॉन्स भी है थोड़े बहुत, पुअर सेल्स ग्रोथ है, लाइबिलिटी एंड इनकम्स थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड में वाइट्स ओके। एंड अभी जो इस सेप्टेम्बर का रिजल्ट है तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस दिस इज़ वेरी गुड। एंड हम और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट अभी यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली है, एंड TTM की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा सेम है, फ्लैट है यहाँ पे, सो हमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिजर्वेशन देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिजर्वेशन, जस्ट ऑसम। एंड बोरिंग्स चेकआउट करेंगे तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, एंड हम लोगों को एक अच्छी खासा मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम हमें ज़रूर मिलेगा। जैसे ही 200 EMA पे आएगा हम लोग यहाँ पे बाइंग प्लेस कर लेंगे, आप लोगों को तब तक यहाँ पे वेट करना है। एंड मैं आपको दो, या तो 20 EMA को ब्रेक कर दे रीटेस्ट है तब हम बाई करेंगे, या तो 200 EMA के पास में जो कि सपोर्ट है तब हम लोग बाई करेंगे। ये दो ही चीज़ें, या तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो या तो सपोर्ट के पास आए तो हम लोग बाई करेंगे, ये दो ही फंडा है राइट। बीच में घुसने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिन लोगों ने ले रखा है वो लोग होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, फ्रेश बाइंग घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप जब मर्जी ले सकते हैं। प्रमोटर का देख सकते हैं 72.86%, FII का पैसा भी अच्छा लगा हुआ है, DII का भी अच्छा लगा हुआ है, एंड पब्लिक का पैसा ऑल्सो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पैरा से बेल आइकन दिया होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, जिससे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप समझ ना पाए। एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी शेयर के रिगार्डिंग आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, एंड अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स करिए और अपने ईयर को प्रॉफिटेबल बनाइए। बाय बाय।